2010 में जब सरकार ने उदवाड़ा में स्थित पारसियों के मोस्ट सिग्निफिकेंट फायर टेंपल के नजदीक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रपोजल जारी किया, तो पारसियों ने अपने धर्मस्थान की पवित्रता के रक्षण के लिए उसका बड़ा विरोध किया। पारसियों की धर्म भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पूरे इंडस्ट्रियल जोन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो दूसरी ओर जैनों के शिखरजी तीर्थ में ये क्या हो रहा है? सरकार हमारे तीर्थ को एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल देना चाहती है। ट्री होम्स इन पारसनाथ सून, शिखरजी पहाड़ पर ट्री हाउसेस, लग्जरियस स्टे, कैंपिंग साइट्स और नाइट सफारी। और तो और, झारखंड की चार जगहों के साथ साथ पारसनाथ को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने के लिए सरकार ने पूरे 2000 करोड़ रुपयों का बजट बनाया है। पारसनाथ पर रोपवे बनाने के लिए सर्वे भी किए जा रहे हैं। अरे, पिछले साल तो शिखर जी पर न्यू ईयर मनाने के लिए खुद झारखंड सरकार ने देश भर के लोगों को फैसिलिटेट किया था। अरे, ये हमारा धर्म स्थान है, कोई घूमने फिरने की जगह नहीं। आखिर क्यों सरकार हमारे जैन तीर्थ की पवित्रता का गला घोट रही है? आखिर क्यों सरकार मालिक न होने के बावजूद भी मालिक जैसा बर्ताव कर रही है? 7 अगस्त को शिखरजी तीर्थ का कोर्ट में फाइनल सुनवाई होने जा रही है, जिसमें तपस्वी दर्शना बेन द्वारा इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की गई है, जिसके तहत केस का फाइनल चुकादा आने तक कम से कम तीर्थ की पवित्रता को खंडित करने वाली इन बद्दी प्रवृत्तियों पर स्टे लादा जा सके। तो आओ हम सब मिलकर शिखरजी तीर्थ की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा मंगलकारी तप और छाप करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जैनों के साथ शेयर करें, जिससे बरसों से एडजन होते आ रहे इस शिखरजी तीर्थ के केस को हम न्याय दिला सके। जय पारसनाथ, जय गिरिराज।